सही है कि मजाइया मैं लिखना नहीं चाहता, लेकिन जब भी कोई मुश्किल पड़ती है तो साथ ही मैं उस, पता नहीं क्या वजह, एक दिन मैं गाड़ी में जा रहा था तो कोई जेन में शेर आ गया, तो मैंने लिखना शुरू किया, तो गलती हो गई, मुझे पता नहीं चला मेरे साथ मोटरसाइकिल पे पुलिस वाला मुझे देख रहा था, उसने आगे जाके मुझे रोक लिया, मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, तो लेकिन खुशकिस्मती से शायद वो मुझे जानता था या क्या, भर मैं हैरान हुआ कि उसने मुझसे ऑटोग्राफ मांगा। तो जब वो चला गया तो फिर मैंने ये कथा लिखा उसके जाने के फौरन बाद कि ऑटोग्राफ मांग के मुझसे अदब के साथ, वो संतरी अजीब था हैरान कर गया, मैं खुश हुआ कि ये भी मेरा फैन है कोई, कमबख्त मेरी कार का चालान कर गया। एक कथा है जी कि वो जो दिल को कबूल होते हैं उनके पत्थर भी फूल होते हैं, वो जो दिल को कबूल होते हैं उनके पत्थर भी फूल होते हैं, जाके थाने मुझे समझ आई इश्क के कुछ असूल होते हैं। एक कथा है सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, मेरी बहनों से दरख्वास्त है कि वो ना सुने, ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए है कि आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं, अगर एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की। आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं, अगर एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की, आज जाके आप भी बेगम से बस इतना कहें, आप जब खामोश हो लगती हैं 16 साल की। आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं, अगर एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की, आज जाके आप भी बेगम से बस इतना कहें, आप जब खामोश हों लगती हैं 16 साल की। लेकिन ये नुस्खा आपने अपने रिस्क पे आजमाना है, क्योंकि एक दफ़ा एक साहब मेरे पास आए, कहते मैंने वो नुस्खा आजमाया है, मुझे तो उल्टा पड़ गया है। मैंने कहा वो क्यों? कहते मैंने जाके बेगम को कहा कि आप 16 साल की लग रही हैं। कहते मेरी बेगम ने कहा कि आपकी पहले आंखें खराब थी, अब दिमाग भी खराब हो गया। जी इसलिए कंपनी की कोई गारंटी नहीं है, करके अगवा सांस मेरे बास की, करके अगवा सांस मेरे बास की, दी है धमकी डाकुओं ने बॉस को, करके अगवा सांस मेरे बास की, दी है धमकी डाकुओं ने बास को, तुमने पहुंचाए अगर ना 5 लाख छोड़ देंगे हम तुम्हारी सास को। करके अगवा सास मेरे बॉस की, दी है धमकी डाकुओं ने बॉस को, तुमने पहुंचाए अगर ना 5 लाख छोड़ देंगे हम तुम्हारी सास को। बाज़ ख़वातीन बहुत नेक दिल होती हैं, साफ गो होती हैं, साफ साफ बात करती हैं। ऐसी ही खातून का एक जिक्र है कि जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, आपने शोहर को हांडी क्यों मारी थी। जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, आपने शोहर को हांडी क्यों मारी थी, इस पे वो मासूम सी औरत यूं बोली, देग उठानी चाहिए थी वो भारी थी। जो हमारे मोहतरम ख्वाजा साहब ने फरमाया, मैं साहिलों पे रहूं फिर भी मुझको प्यास रहे, मैं साहिलों पे रहूं फिर भी मुझको प्यास रहे,
یہ بد دعا تھی تیری کوئی نہ میرے پاس رہے، مگر میں دیتا ہوں تجھ کو دعا تہے دل سے، خدا کرے کہ تیرے گھر میں تیری ساس رہے۔ میں نے جب یہ قطع لکھا تو میری بعض بہنوں نے مجھے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ساس کے خلاف لکھا ہے، اب آپ کی جان صرف اس لیے چھوٹ سکتی ہے کہ آپ ساس کے حق میں لکھیں۔ تو میں نے کہا اچھا جی، میں ساس کے حق میں لکھ دیتا ہوں۔ اگلی دفعہ ایک جگہ بہت بڑی گیدرنگ تھی، وہاں پہ میں نے یہ شعر لکھا کہ فقط ایک شعر تھا میں نے سنایا ساس کے بارے، فقط ایک شعر تھا میں نے سنایا ساس کے بارے، غلط فہمی ہوئی ایسی کہ اب میری کلاسیں ہوں، مجھے تو ساس کے رشتے سے خود اتنی عقیدت ہے، میری ذاتی تمنا ہے میری دو تین ساسیں۔